हिमाचल प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के गृह जिला मंडी की नाचन विधानसभा क्षेत्र में लाखों लीटर अमूल्य पेयजल रोजाना खड्ड में बह रहा है। जहां एक ओर नाचन के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को पेयजल आपूर्ति से जूझना पड़ रहा है, वहीं इस प्रकार से पानी की बर्बादी से जल विभाग की लचर कार्यप्रणाली भी सामने आ गई है। मामला नाचन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चांबी पंचायत के जंगम बाग का है, जहां जांगल खड्ड में प्रतिदिन प्राकृतिक स्रोत से निकलने वाला पेयजल खड्ड में निरंतर बह रहा है। हैरानी की बात यह है कि महकमा इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा। वहीं इस पानी से क्षेत्र के हजारों लोगों को 24 घंटे जल आपूर्ति की जा सकती है। बता दें कि इस पानी के स्रोत के समीप ही जल विभाग की एक और उठाऊ पेयजल योजना पहले से मौजूद है, जिससे क्षेत्र के लोगों को पेयजल आपूर्ति की जा सकती है। लेकिन इस पेयजल योजना के बिल्कुल सामने लगातार बह रहे इस पानी ने विभाग के ऊपर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आप जानते हैं कि आज हमने नाचन विधानसभा क्षेत्र के जंगम बाग में आज अपने दौरे में एक बहुत ही अच्छा और पीने का पानी का जो स्रोत देखा, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि प्रदेश की सरकार बड़े बड़े भाषण देती है और जनता का मोह जीतती है, लेकिन जिस प्रकार हमारे जिला मंडी के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी और इसी तरह हमारे जिला मंडी के जल मंत्री आदरणीय श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी से मैं ध्यान में डालना चाहता हूँ इस बात को कि भाषण बड़े करते हैं, लेकिन ये इतना अच्छा स्रोत जो हमने आज मुआयना किया, ये हजारों लीटर पानी 24 घंटे में भर रहा है, लेकिन कहते हैं कि हम पानी के नल घर घर पहुँचाएँगे, कैसे पहुँचाएँगे? लेकिन जब ऐसे पानी के स्रोत बहते जाएँ तो कैसे पानी पहुँचेगा? उज्जवल हिमाचल के लिए सुंदरनगर से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट।